प्रदेश के हरदोई में पराली जलाने वाले किसानों पर जिला प्रशासन भले ही जुर्माना लगाकर एफआईआर दर्ज कर रहा हो, लेकिन सड़क किनारे खुले में कूड़ा जलाने और तालाबों में कूड़ा डालने वालों पर कार्यवाही नहीं हो रही है। हालांकि इस मामले में सिटी मजिस्ट्रेट का कहना है कि कार्यवाही के लिए एसडीएम व सीएमओ को निर्देशित किया गया है। एक ओर जहां सरकार तालाबों को संरक्षित करने के लिए लाखों व करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ शहर में तालाबों को कूड़ा डालकर तालाबों का अस्तित्व खत्म करने का सिलसिला लगातार जारी है। शहर से कुछ ही दूरी पर बावन रोड पर नगर पालिका कर्मचारियों द्वारा तालाब में कूड़ा डालकर तालाब को भरा जा रहा है। वहीं उसी कूड़े में अस्पतालों का निकला हुआ बायोवेस्ट कचरा वो बायोकेमिकल कचरा भी डाला जा रहा है, तो वो ही बायोवेस्ट कचरे में आग लगाकर उसे खत्म किया जा रहा है। अब स्वास्थ्य महकमे की लापरवाही, नगर पालिका की उदासीनता के चलते यह लापरवाही उजागर हो रही है। किसानों को प्रदूषण फैलाने के आरोप में पराली जलाने पर जुर्माना और एफआईआर दर्ज कराने वाला प्रशासन ऐसे में उतनी ही कठोर कार्यवाही करने में हिचकिचाहट भरे हैं। हालांकि सिटी मजिस्ट्रेट गजेंद्र कुमार का कहना है कि मामले में सीएमओ व संबंधित एसडीएम को मामले को लेकर निर्देशित किया गया है, लेकिन इस निर्देश पर कितना असर होगा, क्या कार्यवाही होगी, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। अभी एक शिकायत प्राप्त हुई है कि बावन रोड पर एक नर्सिंग होम है, वहाँ से जो बायो कचरा है, बायो केमिकल वेस्ट है, उसको जो सामान्य डस्टबिन है नगर पालिका का जो बड़ा कूड़ा घर, उसमें डाला जा रहा है। तो तत्काल ईओ को भी बताया गया है कि उनको उनसे समन्वय स्थापित करके इसकी व्यवस्था सुनिश्चित कराएं कि जो बायो केमिकल बायो कूड़ा है वहाँ पर न डाला जाए। और सीएमओ के माध्यम से सभी समस्त जितने भी चिकित्सालय हैं, नर्सिंग होम हैं, सबको बताया जा रहा है कि जो निर्धारित कलर कोडिंग वाले डस्टबिन्स हैं अपने हॉस्पिटल में रखवाएं, और जो निर्धारित कूड़ा है, बायोकेमिकल वेस्ट है, सिंपल वेस्ट है उनका, उसको उसी में डालें, और जो उनके वेस्टेज की प्रक्रिया निर्धारित की गई है उसी प्रक्रिया के माध्यम से उसको निस्तारण कराएं, और इसका अनुपालन सुनिश्चित कराने के लिए सीएमओ के अध्यक्षता में कुछ टीमें गठित की गई हैं, व्यक्तिगत वार्ता उनसे की गई है ताकि इसका अनुपालन सुनिश्चित कराया जा सके। सर, तालाब में कूड़ा डंप किया जा रहा है, उसके लिए जो संबंधित एसडीएम से उनको बताया गया है कि लेखपालों के माध्यम से और जो क्षेत्र स्टाफ हैं उनके माध्यम से इस बात को सुनिश्चित करावे कि जो तालाबों का जो उचित प्रयोग है उसी के रूप में लाया जाए और तालाबों में किसी प्रकार का कूड़ा ना डाला जाए। एनजीटी के नियमों की भी दर्जी और जी नहीं, इस पर ध्यान दिया जा रहा है कि एनजीटी के जो भी नियम है एक बार फिर से उस पर गोष्ठी करके सबको जागरूक कर दिया जाए ताकि जो भी वहाँ से दिशा निर्देश प्राप्त हुए हैं उनका पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित करें। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lightning. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।